तो दोस्तों, कई बार हम भी अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं या फिर सुनते हैं, जैसे कि गांव का गांव बह गया, या फिर किताब पर किताब पढ़ दी, या फिर गाना पर गाना चला दिया। तो इस तरह के सेंटेंसेस को जिसमें हम एक काम के बाद दूसरे काम को कर देते हैं या फिर हो जाता है, यानी कि रेगुलर में, उसको हम हिंदी से इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं और इसके स्ट्रक्चर को कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने वाले स्ट्रक्चर के ऊपर जिसमें आपको यूज़ करना है आफ्टर का। अब देखिए, आप आफ्टर का किस तरह से यूज़ करेंगे। जैसे कि आप बोलते हैं गांव के गांव बह गए, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, उसके बाद लिखना है आपको आफ्टर, और उसके बाद फिर से उसी चीज़ का नाम लिखना है सेम, और उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी जो कि आपके नाउन के हिसाब से आएगी, और उसके बाद आपको लिखना है अपनी वर्ब, और उसके बाद आपको अपना ऑब्जेक्ट लिख देना है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम जब बनाते हैं जब कोई चीज़ लगातार, यानी कि एक के बाद एक चीज़ हो जाती है। तो चलिए इसे एग्जांपल्स की हेल्प से और अच्छे से समझ लेते हैं और अपने डाउट को क्लियर करते हैं। गांव पर गांव बह गए, इसकी इंग्लिश देखिए, द विलेज आफ्टर विलेज वाज स्वेप्ट अवे। और यहाँ पर देखिए, द विलेज आफ्टर विलेज, गांव पर गांव, वाज स्वेप्ट अवे का मतलब है बह गए। अब ये क्या है, ये आपका पैसिव में है, इसीलिए इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, गाने पर गाने चलाए गए, इसकी इंग्लिश देखिए, द सॉन्ग्स आफ्टर सॉन्ग्स वर प्लेड, गाड़ियां पर गाड़ियां आ गई, द कार्स आफ्टर कार्स वर कम। तो इस तरह से आप ऐसे सेंटेंसेस को इस स्ट्रक्चर के द्वारा आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस स्ट्रक्चर पर बेस्ड आज के सवाल की, जो कि आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो आज का हमारा सवाल है, आदमी पर आदमी मर गए, तो इसको आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और इसका जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं, फ्रेंड्स जो हमारी चैनल पर ईबुक आने वाली थी वो आपकी आ गई है, और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें आपको सभी एडवांस स्ट्रक्चर जो हमारे वीडियो में बोले जाते हैं विद एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, और उसके अलावा idioms, phrases, daily use sentences और important prepositions और conjunctions, ये सारे टॉपिक भी इसमें कवर किए गए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।